प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विधानमंडल सदस्यों की निर्हरताएं। आइए देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 190, 191 और 192 मध्य प्रदेश में हो रहे राजनीतिक घटनाक्रम के कारण चर्चा में है। ये अनुच्छेद विधानमंडल के सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित है। आइए अब अनुच्छेद 190 के बारे में जानते हैं। इसमें विधानमंडल में स्थानों के रिक्त होने का उल्लेख है। इसके खंड एक के अनुसार कोई व्यक्ति राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए उस राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंध करेगा। खंड दो के अनुसार कोई व्यक्ति दो या अधिक राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य नहीं हो सकता। यदि वह व्यक्ति दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे एक राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों के विधानमंडलों से अपने स्थान का त्याग करना होगा। खंड तीन के अनुसार यदि राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य उपखंड बी के अनुसार किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष या सभापति को संबोधित किया गया त्याग पत्र यदि स्वीकृत हो जाता है तो सदस्य का स्थान रिक्त हो जाएगा, परंतु सभापति या अध्यक्ष को अगर ऐसा लगता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक या असली नहीं है तो वह ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार नहीं करेगा। आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 191 क्या कहता है। इसमें सदस्यता के लिए निर्हरताओं का उल्लेख है। इसके खंड एक में विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए अयोग्यताओं का उल्लेख है। ये अयोग्यताएं कुछ इस तरह हैं: यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो, यदि वह विकृत चित्त हो, यदि वह दिवालिया हो, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने विदेशी नागरिकता स्वीकार कर ली है, यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा अयोग्य घोषित हो जाता है। अब डालते हैं अन्य तथ्यों पर नजर। अनुच्छेद 192 में सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय का उल्लेख है। विधानमंडल के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राज्यपाल निर्णय लेता है और उनका यह निर्णय अंतिम होता है। इस संबंध में राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेता है और राय के अनुसार कार्य करता है। आइए अब आज के टू द पॉइंट पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। विधानमंडल सदस्यता के लिए कोई व्यक्ति अयोग्य होगा यदि वह भारत का नागरिक है। कथन दूसरा, यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी न तो एक और ना ही दो। अब आप इस प्रश्न का सही उत्तर सोचने के लिए वीडियो को कुछ देर पॉज कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल दो।